शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। गुरुजी मैं रणबीर इतनी रात गए? गुरुजी बड़ी मुश्किल से आपका पता ढूंढ ढूंढ कर यहाँ आया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ कुर्सी जी यहाँ बैठ। रणबीर तुम्हारी सूरत से लगता है तुम किसी दुविधा में हो, क्या बात है जो तुम्हें इतनी रात गए पता पूछते मेरे पास आना पड़ा? आपने ठीक कहा गुरुजी, इस वक्त मैं बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा हूं, इसलिए तो इतनी रात गए आपको तकलीफ दे रहा हूं। मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। तुम्हारे परिवार में सब ठीक तो है ना? तुम्हारे अपने घर लौटने के बाद रुक्मी मुझे फोन पर बताया करती थी कि तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हारी बिननी सुहागन होकर भी उसे विधवा बनकर रहना पड़ रहा है। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत फिक्र है। रुक्मी अपनी बहन रसाल को सारी खुशियां लौटाकर अपना सारा जीवन हमेशा के लिए मठ की सेवा में बिताने वाली थी, मगर कई दिन हो गए रुक्मी का कोई फोन नहीं आया। रुक्मी ठीक तो है ना रणबीर? गुरुजी रुक्मी को ठीक रखने की फिक्र ही तो मुझे आपके पास लेकर आई है। दरअसल यहां से जाने के बाद हवेली में मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। मुझे इस बात का पता चला कि किस तरह मैंने रुक्मी के साथ नाइंसाफी की थी और उसी की छोटी बहन रसाल से शादी करके रसाल की जिंदगी भी तबाह कर दी। लेकिन गुरुजी आज मैं सिर्फ रुक्मी से प्यार करता हूं, रसाल से नहीं, और मैं दिल से सिर्फ रुक्मी को अपनी बेंदनी मानता हूं। भज गोविंदा, मुझे विश्वास था कि ऐसा ही होगा। गुरुजी रुक्मी मेरा पहला प्यार है, लेकिन रसाल मुझसे आज भी प्यार करती है, जबकि मैं आज उससे प्यार नहीं करता, मैं रुक्मी से प्यार करता हूं। लेकिन यह भी सच है कि मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूं क्योंकि मैंने रसाल की खुशियां छीनी हैं। लेकिन अब मैं रसाल को उसकी खुशियां लौटाना चाहता हूं। गुरुजी रसाल का पहला प्यार विक्रम उससे आज भी उतना ही प्यार करता है, और अब वो उसकी जिंदगी में लौट भी आया है, मगर मेरे परिवार के लोग परंपरा और खानदान की मर्यादा का हवाला तो दे सकते हैं, मगर आपको भाईसा का प्यार नहीं दिला सकते। आप ही बताइए भाभी सा, क्या मेरे परिवार के एक भी सदस्य ने आपको इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने घर के बेटे पर जोर डालेंगे और आपके पास लाएंगे? नहीं ना, किसी ने भी आपको इस बात का भरोसा नहीं दिलाया। याद कीजिए भाभी सा, मठ से लौटने के बाद भाईसा के खातिर उनके सामने आपको विधवा कहने के लिए भी राजी हो गए थे वो। मान सम्मान के नाम पर दोधारी सोच रखने वाले मेरे परिवार के खिलाफ अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो ये मेरा आपके लिए कंसर्न है, प्यार है। अगर मेरा बेहिचक होके बोलना आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। पर मैं भी क्या करूं, जिसे अपने हिस्से को प्रेम और हक छेड़ तो दिखाई दे वे, उसे तो सारी दुनिया ही गलत लागे। आप सही कह रही हैं भाभी सा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मोहित के साथ शादी करने पर घर वालों ने रोक लगा दी थी,
मगर उस समय घर वालों की मान और मर्यादा के सामने आपने मेरी खुशी चुनी थी और आप भाई साहब से लड़ी भी थी और नतीजा देखिए भाभी साहब, आज मैं और मोहित एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। क्योंकि इंसान तभी खुश होता है जब उसे प्यार करने वाला उसका जीवन साथी होता है। आप भले ही कह रही हैं कि आप विक्रम को भुला चुकी हैं, मगर विक्रम आपको नहीं भुला पाया है। इन्हीं सारी बातों को सोचकर मैं भाई साहब के फैसले से सहमत हूं। पर मैं सहमत ना हूं और ना ही कभी होगी। मैं जानती हूं कि आप सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में इस बात का डर है कि अगर आपने विक्रम से शादी कर ली तो समाज क्या कहेगा, है ना? अब आप ही बताइए गुरुजी, जो मैं कर रहा हूं क्या वो गलत है? तुमने मुझे जितनी बातें बताई उससे ऐसे लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो रसाल के लिए सही है। रणवीर, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां आदमी दो दो पत्नियों को साथ रखते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पति पत्नी ही गृहस्थ जीवन का आधार है। दूसरी पत्नी दूसरी औरत ही कहलाती है। ऐसे में दोनों में से एक भी औरत खुश नहीं रहती, क्योंकि एक नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के साथ दूसरी औरत को बांटना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में दोनों औरतों का जीवन मानसिक तनाव में गुजरता रहता है। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है रणवीर कि विक्रम आज भी रसाल से पहले जैसा ही प्यार करता है? हाँ गुरुजी, बल्कि विक्रम से मिलने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने गलती की है उसे सुधारने का अब यही एक रास्ता है। विक्रम आज भी रसाल को पाना चाहता है, जबकि रसाल उसे साफ साफ कह चुकी है कि वो विक्रम को पहले की तरह नहीं देखती है और वो आज भी मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन विक्रम को पूरा विश्वास है एक न एक दिन वो रसाल के दिल में फिर से अपना पुराना जैसा प्यार जगा देगा, उसे वो खुशियां फिर से दे पाएगा, वो खुशियां गुरुजी जो मैं रसाल को अब कभी नहीं दे पाऊंगा। गुरुजी, सच्चाई ये है कि इस मुद्दे पर मैं बहुत आगे कदम बढ़ा चुका हूं, लेकिन रसाल उतना ही अपने कदम पीछे हटाती रहती है। लेकिन अगर मुझे कुछ खुशी है तो इस बात की कि विक्रम मेरे बढ़ाए हर कदम में मेरे साथ है। इस कायनात में किसी को प्यार देने वाला तुम्हारे जैसा और प्यार करने वाला विक्रम जैसा इंसान है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रणवीर, दूसरों को खुशी देने वाला महान आदमी होता है और तुम महानता का कार्य कर रहे हो। तो फिर खुद मेरे घर वाले मेरे इस फैसले के खिलाफ क्यों हैं गुरुजी? वो घर की चारदीवारी के अंदर किसी को तड़पता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है तो उसमें उन्हें एतराज है। ऐसा स्वार्थ क्यों गुरुजी? रणवीर, तुम्हारे घर वालों के स्वार्थ में उनका भय है सामाजिक लांछन न लगे, इसलिए ऐसे विचारधारा के लोगों को किसी को घर की चार दीवारी में तरसता देखना मंजूर है, लेकिन घर से बाहर निकल के उसे इंसाफ दिलाना मंजूर नहीं है। रणवीर, मेरी नजर में तुम रसाल को विक्रम से मिलाकर उसे जीवन भर की खुशियां दे रहे हो। भले ही आज रसाल नहीं माने, लेकिन कल उसे एहसास होगा और तुम्हारे इस उठाए हुए कदम पर तुम्हारे घर वालों को गर्व होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। गुरुजी, आपके पास आकर आपसे अपनी दुविधा बांटकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं अपने घर वालों पर और रसाल पर अपनी मर्जी थोप तो आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन अब आपसे बात कर मुझे इस बात का एहसास हो गया है, जो मैं कर रहा हूं वही रसाल के लिए सही है। भज गोविंदम, भज गोविंदम।
हाँ जी गुरुजी, अब आपकी आज्ञा चाहता हूँ। रघुवीर, इतनी रात कहाँ जाओगे? मैं सत्यव्रत से कह के तुम्हारी सोने की व्यवस्था करता हूँ, सुबह चले जाना। नहीं गुरुजी, इतनी रात गए उन्हें जगाना और तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। यहाँ पास में एक फार्म हाउस है, मैं अभी वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ का चौकीदार मुझे पहचान गया कि मैं ठाकुर रणवीर सिंह हूँ। उसी ने बताया कि वो फार्म हाउस हमारा ही है। मैं रात भर वहाँ रुक कर सुबह वहाँ से चला जाऊँगा। मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। जिसमें तुम्हारी खुशी, ठीक भज गोविंद। आज गोविंद तुम्हारे ताया साहब पुलिस लॉकअप में है, मुझे फौरन फोन करो। पापा सबको दूसरी गोली चलाने में इतनी देर कैसे लगी? ये पुलिस वटिया गई, अब के बताऊं भांजे तारिक को, के बताऊं? एन वक्त पर विक्रम की भाभी समझने आ गई और सब गड़बड़ हो गया। यह बात मारे इन्फॉर्मर ने मैंने बताई। थारे पापा सा ने आखिरी निशानों लगायो इतो विक्रम पे कि पुलिस आ गई और उनको पकड़ी। अरे ये तो वही कहावत हुई भांजे की, खोदो पहाड़ और निकली चुईया। मारे सारे किए करे पर पानी फेर दियो। मने तो लागे भांजे कि जितनी भी तू प्लानिंग करे ना उसके फ्लॉप होने का कारण भी तू ही। अरे के बकवास कर रहे हो मामा साहब? भांजे बकवास नहीं कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि मैंने पुलिस को बुलाने वाली थारी बात को क्यों मान लिया। ये तो वैसी बात हो गई भांजे कि जब रणवीर अपने आप को गोली मार रहा था और तूने आके उसको बचा लिया, अब के बताऊं भांजे? अब बोलना क्या, आजकल मारा हर प्लान फ्लॉप हो जावे और रणवीर मारे हाथों से बचा तो बचा, विक्रम भी पापा सा के हाथों से बच गयो। जी आप तो आपके कमरे में सो रही थी। अच्छा बस, मुमल मैं थारे जितना पढ़ी लिखी ना, जितनों भी मारे को ज्ञान है उसके तहत मैं आज ये बात थारे को जरूर बताना चाहूंगी कि एक लड़की के जीवन में तरह तरह के मोड़ आवे। वो एक बेटी होवे, बहन होवे और फिर पराए घर की शोभा बने, उसके घर को सवारे, उसके वंश को बढ़ावे, उसको प्रेम किसी एक के वास्ते ना रह जावे, अपने बींद औलाद और घरवाड़े सबके वास्ते उसको प्रेम बराबर को होवे, घर परिवार परंपरा ये सब निभाने के बाद जब वो उस घर से निकले है तो अर्थी पर सवार होकर, यही एक लड़की को संस्कार है। अपने पहले प्रेम के वियोग में जीनो उसको धर्म ना है, बल्कि अपने सासरे में अपने पति के साथ जीनो ही उसको कर्म है। मैं जानू मूमल की भाग्य ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे बींद की याद ने छेड़कर, पर मैं क्यों उम्मीद छोड़ दू मूमल? मैं जानू हूं कि थारे भाई साहब हमारे से बोल चुके हैं, उनकी याददाश्त लौटने के बाद भी वो मारे को पहले जैसो प्रेम ना दे पावेंगे, पर ये भी तो हो सके ना कि उनकी याददाश्त लौटने के बाद उन्हें ये याद आ जावे कि मारे वास्ते उनको हृदय परिवर्तन किसने किया और कैसे किया, तब शायद मारे विश्वास की जीत हो जावे। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी उम्मीद पूरी हो, मगर डॉक्टर की रिपोर्ट का कहना है कि भाईसा की याददाश्त के लौटने में संदेह है, हो सकता है उनकी याददाश्त अगले ही पल लौट आए, या फिर बरसों लग जाए, या फिर वो उमल। पर भगवान को चमत्कार भी तो होवे, के पता थारे भाईसा के सामने कुछ
कुछ ऐसी बात आ जावे जिसे देखकर या फिर सुनकर वो चमत्कार हो जावे कि हारे को उस चमत्कार की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। नहीं भाभी सा, अगर ऐसा क्या हो सकता है? मुमल, बस तुम्हारी उम्मीद को पूरा होने में हमारा साथ दे। भगवान जी महाराज मारे को कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। उस समय मारे को थारा साथ भी चाहिए होगा। बोल मुमल, तू देवे की ना हमारा साथ। थारे को क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे मैंने थारे पापा साहब के सामने थारी छवि ऐसी बनाई थी कि वो अपनी गद्दी खुद थारे को दे देते, और तूने मारे से पूछे बिना मारे बीन को मारे से अलग करने की सोची कैसे? और तुम्हें तू भी दीप का साथ दे रहा था इन सब में। जी जी, आप तो जानो मैं दीप भांजे का साथ देने के लिए कुछ भी कर सकता। और मारे वास्ते एक भाई होने के नाते थारा कोई फर्ज ना है? जी जी, मने लगे कि आपको जीजू साहब के साथ ब्याह हुए इतना साल हो गया, दीप भी घनो बड़ो हो गयो। तो बकवास बंद कर, बीन है वो मारे। मां साहब ये क्या करिए? जी जी, इस समय जीजोसा को फोन करने का मतलब है कि शक की उंगली हमारी तरफ हो जाएगी। अरे जीजी, सवाल उठेगा कि हमको कैसे पता चला कि जीजोसा को मर्डर के लिए अरेस्ट किया हुआ है। जीजी कुछ सोचो तो सही, के जवाब देवेंगे हम? सुमेर, मैं थारे जीजोसा को जेल जाते हुए ना देख सकूं। ला दे मारे को फोन। इनके पकड़े जाने की खबर आपको कट्टे से मिली, क्या बोलेंगे आप? मैं उन्हें बता दूंगी कि सच्चाई के। जीजी, आप जीजोसा को बचाने के लिए अपने बेटे को जेल भेज रही? दीप फोन दे जीजी को और जेल जाने की तैयारी कर। जा। मासा, पापा साहब को ज्यादा दिन की सजा ना होगी क्योंकि वो कमबख्त विक्रम बच गया। बस 2-4 साल में बाहर आ जावेंगे। अरे जीजी, अगर आपके चलते ये साबित हो गया कि मैं और दीप भांजा इसमें शामिल है तो समझ लो जीजी, हम बहुत साल के लिए यहां से गायब हो जाएंगे। और यदि लाइव डिटेक्टिव टेस्ट हो गयो तो हमारे मुंह से निकल जाएगा जीजी कि आप भी इसमें शामिल हैं। तो पछे तो अपन तीनों जेल में चक्की पीस रहे हूं। हे भगवान, कटे फंसा दिया तुम दोनों ने मारे को। मासा, हमारे पापा सा रणवीर वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भी मैंने और मामा सा ने पापा सा को खानदान का वास्ता देकर रुकसा है मासा, ताकि वो आपके बारे में, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में सोचे, ना कि उस रणवीर के बारे में। और मासा, आप हो कि पापा सा के बारे में सोचकर हमारी मेहनत पर पानी फेरना चाहो, अरे इस तरह तो आप उस रणवीर की मदद करोगे। अगर फिर भी आप हमारे बात से सहमत ना हो ना मासा, तो लो मासा फोन कर लो, मैं चला जाऊंगा जेल। लो मासा। अब तू खड़े खड़े मुंह के देख रहा है? अरे फोन करके अपने उस खबरी से पूछ के हो रहा है पुलिस स्टेशन में। अरे जीजी, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मारो खबरियो बठे से खबर दे तो रहेगा कि बठे के हो रहे हो, शांत हो जाओ। अब बेशरम की तरह क्या हंस रहा है? तूने ही दीप को ये आइडिया दिया होगो। अच्छा जी जी, मारा आइडिया से बढ़िया फायर हो जावे तो वो आइडियो या तो आपको या दीप भांजे को, और मिस फायर हो जावे तो आइडियो मारो। हैं? बकवास बंद कर अपनी सुमेर। मारे को किसी को भी इस वक्त फोन ना करना है। सवेरे फोन करूंगा मैं अपने वकील को। जा, जो जो चार्ज लगाना है लगा दो, और खबरदार जो हवेली में फोन करके मारे घर वालों को बताया तो। ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप हुकुम करें।